जी न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। संस्कार भारती मुजफ्फरनगर द्वारा श्री कृष्णा जन्माष्टमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में एक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की समक्ष दीप प्रज्वलित कर संस्कार भारती के धैर्य गीत से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक लघु उद्योग प्रकोष्ठ भाजपा श्री कुशपुरी जी ने संस्कार भारती द्वारा कला एवं साहित्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथियों में दीपचंद ग्रेन चैम्बर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय शर्मा, बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा बीना शर्मा, इन्वरहिल क्लब से संतोष शर्मा, चाइल्ड लाइन 1098 की निदेशक पूनम शर्मा जी रही। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में संस्कार भारती कोषाध्यक्ष सुचित्रा सैनी, मातृशक्ति प्रमुख मीनाक्षी आर्य रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्कार भारती महामंत्री मीरा शर्मा, विपिन त्यागी व मनोज कुमार वर्मा ने किया। राधा कृष्णा पर आधारित नृत्य प्रतियोगिता में कुल 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से वंशिका पुत्री अनिल शर्मा प्रथम रही। दूसरे नंबर पर वंशिका पुत्री बिट्टू जूनियर हाई स्कूल नसीरपुर व तृतीय स्थान पर किशा शर्मा पुत्री संजय शर्मा रही। आज संस्कार भारती के तत्वाधान में ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों द्वारा जन्माष्टमी से संबंधित सभी क्रीड़ाओं लीलाओं का एक मंचन यहाँ पे हो रहा है। और संस्कार भारती एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये साल भर में जो 6 कार्यक्रम होते हैं, ये सभी जो हमारे सनातन परंपरा के, सनातन संस्कृति के जो मूल जो हमारे त्यौहार हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। बच्चों तक, समाज तक एक संदेश देने का प्रयास है कि हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश इसमें छुपा है पूरे विश्व के लिए और जो आज भी प्रासंगिक है। तो मैं साधुवाद दूंगा संस्कार भारती को इस सुंदर कार्यक्रम के लिए और समाज में अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक करते रहने के लिए जो उनके प्रयास हैं, वो वास्तव में सराहनीय है। महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है सालों से। देखिए, आज यहाँ पे संस्कार भारती के कार्यक्रम में आए हैं हम लोग और बहुत अच्छा लग रहा है। जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं और सबसे बढ़कर जैसा अभी कुछ जी ने कहा, तो बहुत ही अच्छा संस्कार भारती के कार्यक्रम में आके ये लगता है, ये है जो सही मायनों में जो हमारी जो परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक है महिलाओं के सम्मान की और उसके लिए जिसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ संस्कार भारती और हमारा मिशन जो है मिशन शक्ति, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि संस्कार भारती वही कर रहा है जो हम लोग चाहते हैं। क्योंकि जो बच्चों को हमें अगर सही रास्ता दिखाना है तो वही संस्कार भारती कर रहा है कि हमें बचपन से ही बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देने होंगे। आज हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बल्कि मेरा कहना यह है कि बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी बेटों को अच्छे संस्कार दीजिए, बेटी तो अपने आप बच जाएगी। तो ये मेरा कहना है, तो इसके लिए मैं यहाँ आकर के, यहाँ मुझे बुलाया है कार्यक्रम में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत।